बच्चे लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने आप पे वार मार रहे हैं। मर जाए गोरी, अच्छा गोरी, अच्छा गोरी, अच्छा गोरी। क्या हल कर दे, जितने बच्चे जितने बच्चे किधर रहते हैं रैली निकाली है। ये रैली है नशे के खिलाफ। हम प्रशासन से, ये हमारी मांग है, हमने ये रैली इसलिए निकाली कि हमारी प्रशासन से मांग है कि आप नशा बेचने वालों को तड़ी पार किया जाए मुमरा कोसा के। हम जानते हैं कि मुमरा कोसा के अलावा काफी सारी जगहों पर नशा बिकता है और लोग लेते हैं, पर हम चाहते हैं कि मुमरा कोसा में सबसे पहले जो नशा बेचते हैं उनको तड़ी पार दिया जाए, और जहां पर ये गुटखा तंबाकू सिगरेट मिलती है वो दुकानदार पे कार्रवाई की जाए। आज आप देखिए स्कूल मदरसों के पास जो दुकानें हैं वहां पर बड़ी बड़ी गर्दियां लगती है। जब हम, मैं ऑफिस आती हूँ, ऑफिस से जाती हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ 13-13, 14-14 साल के बच्चों के हाथ में सिगरेट्स होती है। हम उनको रोकते कि ये क्या कर रहे हो आप, तो कभी कभी वो हमारी टीम को जवाब देते कि आपसे क्या मतलब है। मतलब हमसे ही है, क्योंकि मुमरा कोसा की भलाई हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है और आप सब भी चाहते हैं, क्योंकि नशे से, नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बर्बाद करता है, अपनी उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद करता है, आने वाली पूरी जनरेशन को बर्बाद करता है नशे में इंसान। अभी आपने एक एग्जाम्पल आपके सामने ही देखा है, ये एग्जाम्पल इसीलिए हम इतने दिन से 10-15 दिन से घर घर जाके कह रहे हैं कि आप हमारी रैली में शामिल होइए, और जान भी जाएगी ना हमारे, तो हम डरने वाले नहीं है। Yeah.
कहना चाहूंगा। आज हम लोगों ने मुमरा कौसा में वर्ल्ड टबैको डे के दिन पर हमने मुमरा कौसा की महिलाएं और हमारे जेंट्स लोगों के साथ एक बड़ी रैली निकाली है। ये अवेयरनेस कैंपेन जैसी रैली है। मुमरा कौसा में काफ़ी नशा बढ़ चुका है, इसलिए हमारी मांगनी है कि जो लोग हैं, जो प्रशासन से हमारी ये मांगनी है कि आप मुमरा कौसा में जो नशा बेचता है, सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको तड़ी पार कीजिए। दूसरा, जो मदरसे और स्कूल के पास जो सारी दुकानें हैं जो सिगरेट और बीड़ी गुटखा बेचती है, आप उन पर कार्रवाई कीजिए। आजकल हमारे नाजिम भाई बोल रहे थे कि 2 बजे तक चालू रहती है, रात के 2-2-3 तक मुमरा के हर कोने में पान की टपरियाँ चालू रहती है। इसकी वजह से काफी आसानी से नौजवान लड़कों को नशा मिलता है। पहले सक्सेसन कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। आपने कोई लिस्टिंग दी है जो लोग नशा बेचते हैं? पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जहाँ पे गुटखा सिगरेट स्कूल और कॉलेज के आसपास मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुमरा पुलिस को आप? यही तो मैं आपको कह रही हूँ, मैंने यही बोला कि 12 से 20 साल के बीच के बच्चे लोगों के हाथ में गुटखा और सिगरेट है। आपका दिल कैसे होता है कि आप इतने छोटे बच्चों को नशे की चीजें हाथ में दे? आपका मन कैसे हो रहा है ये चीज़ करने? अभी रैली के दौरान एक नशेड़ी ने जो हंगामा मचाया वो तो पूरे सबसे छुपा नहीं है, तो पुलिस उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? पकड़ती है और 2 दिन में छोड़ देती है। मेरा बोलना है कि आप जब हम मोर्चा निकालेंगे उसके बाद 1 या 2 हफ्ता आप कार्रवाई करोगे, इससे कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली हर हफ्ता 2-3 बार 2-3 दिन कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जब आप ये 2-4 साल के लिए कंटिन्यू करोगे तब जाके डैमेज कंट्रोल होगा। मुमरा पुलिस को आज आप मेमोरेंडम देने वाले हैं और क्या कहेंगे? सीनियर पीआई से मुलाकात करने वाले हैं, क्या चलने वाला है? हमारी उनसे यही मांगनी है कि सीनियर सर से, और हम तो मुमरा के लिए नहीं, हम महाराष्ट्र और भारत देश के लिए ये मांगते हैं, क्योंकि मुमरा में हम मुमरा के तो हमने मुमरा के लिए रैली निकाली है, थाने के लिए रैली निकाली है, पर पूरे भारत देश में काफ़ी सारी जगह नशा बिकता है और काफ़ी सारे लोग नशा लेते हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये मांगे, हमारे प्रधानमंत्री साहब से भी मांगे कि आप नशे के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि भारत देश का भविष्य खराब हो रहा है। मर्जी मैम, आपने ये जो निकाला आज रैली जो नशे के खिलाफ, तो आपने किसी का नाम उसमें मेंशन किया है लिस्टिंग की मुमरा में मतलब कितने लोग हैं जो फिलहाल नशा बेच रहे? दैट इज नॉट माय जॉब, दैट इज नॉट माय जॉब। थैंक यू। कोलमा बड़ी तादाद में इस नशे को रोकने के लिए आज यह रैली में मौजूद है, तो क्या चाहेंगे, किस तरह की आवाम रैली में सपोर्ट करें और नशे को किस तरह खत्म किया जाए? सबसे बड़ी बात यह है, ये नशा तो ऐसे दीनी और दुनियावी इतबार से गलत है, क्योंकि दीनी इतबार से ये गलत, इसे हमें हराम करार दिया गया है। दुनियावी इतबार से इसे गलत कहा जाता है, तो ये नशा इसी चीज़ है कि हर को जैसे नाबूद कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसके खिलाफ साफ हुआ नहीं, हम सभी जनता इसके खिलाफ। इस वक्त नौजवान काफ़ी नशे में मतलब मुमरा में खास करके, वो मुमरा के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस आवाम को? आज हम लोग अपना वक्त निकाल के आए हैं ताकि ये मैसेज दिया जाए बच्चे के लिए कि ये बहुत गलत चीज़ है और इसके लिए दूर रहा जाए। इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए हर वक्त निकालेंगे और हर आज रैली निकालना पड़ा है, तो मस्जिद के मेंबर से आप लोग क्या ऐलान करना चाहेंगे? जुमा के मेंबर के से तो ये चीज़ दुनियावी चीज़ है, मस्जिद के मेंबर नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हर किसी से हम लोग मुलाकात करेंगे, समझाएंगे कि गलत काम है, गलत नहीं करना चाहिए, ये खानदान इसे दुनियावी हिसाब से बहुत गलत है, ये पैसे की बर्बादी है, पूरे घर की बर्बादी है, और नशे में आदमी अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूँ क्या हूँ। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे, इसको बरसों रोकने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है एक बार बच्चे को लत पड़ जाती है तो हमेशा ये उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर पल कोशिश करेंगे। आज अभी आपकी रैली मुमरा पुलिस स्टेशन जा रही है सीनियर पीआई से मिलने के लिए, उनको क्या मेमोरेंडम देने वाले हो नशे को लेकर? सबसे बड़ी बात उससे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग अगर कहीं किसी को हम लोग पकड़ते हैं या हम लोग किसी को रोकते हैं, तो अगर कहीं वहाँ परेशानी आती है तो वहाँ मेरा साथ दें, हम लोग फोन करें, वो हमारे उस आदमी को जो इसका सौदागर है उसको पकड़ते हैं, हम लोग उसको मदद करें। हम लोग बंद करो, भाईजान।
गाड़ी बंद करो। ओ भाई ओ भाई, ओ पीछे जरा, पीछे पीछे पीछे। प्लीज डोंट स्मोक इट, डोंट हैव।